नमस्कार, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी। जी, मेरी शुरुआत रही है रंगमंच से। थिएटर वेटर करने के बाद मैं दिल्ली सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में मैंने बतौर अभिनेता नौकरी की, गीत नाटक प्रभाग के तहत। उसके बाद टारगेट मेरा सिनेमा करना था, तो मैं हमेशा दिल्ली में जब भी था तो परेशान रहता था कि मुझे फिल्में करनी है। इस सिलसिले में बहुत भागा दौड़ी हुई। कुछ दिन मैंने म्यूजिकल शोज़ किए, म्यूजिकल शोज़ में मैंने काफ़ी सारे शोज़ में एंकरिंग किया। मेरा मिमिक्री स्ट्रांग था तो बहुत सारे ऑडियो कंपनी के लिए मैंने मिमिक्री किए। उसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ और शुरुआत हुई मेरी बतौर एक्टर, और बहुत सारी फिल्में मैंने बतौर अभिनेता की। शुरुआती तो मैंने बतौर नायक की थी, एक दो फिल्में एज ए हीरो भी किया मैंने। बाद में फिर बतौर खलनायक मुझे करेक्टर ऑफर होने लगे और मैंने लगभग 30-40 फिल्में बतौर खलनायक की, जिसमें से बहुत सारी फिल्में बहुत चर्चित हैं, सुपरहिट हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे अभिनय को। और इसी बीच एक सिलसिला चालू हो गया डायरेक्शन का, निर्देशन का, तो वो भी मेरा चलता रहा और एक एक करके लगभग अभी तक 5-6 फिल्में आप लोगों के बीच आ गई और आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। मेरी पहली फिल्म गठबंधन प्यार के पवन सिंह और रिंकू घोष जी के साथ लोगों ने काफ़ी सराहा, और आज भी जब कभी सैटेलाइट पे आती है तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कोई भी फिल्म फेस्टिवल होती है अगर बिहार में, तो उस फिल्म को ज़रूर दिखाया जाता है, क्योंकि वो फिल्म पूरी तरीके से पारिवारिक और साफ़ सुथरी फिल्म थी। उसके बाद मेरी फिल्म ए बलमा बिहार वाला खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह जी के साथ आई और फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट रही। उसके गाने तो आज भी लोगों के जबान पर रहते हैं, लगा के मच्छरदानी और ये लालटेन सॉन्ग बहुत सुपरहिट हुआ। उसके बाद पवन सिंह जी के साथ एक फिल्म किया, पवन सिंह जी और यश मिश्रा जी के साथ, बीन बजावे सपेरा, वो भी बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित रही और लोगों ने काफ़ी सराहा उस फिल्म को भी, एक अलग तरह की फैंटेसी फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक थोड़ी कलात्मक फिल्म की, हीरो गमछा वाला, उसे भी लोगों ने पसंद किया है। और अभी एक भोजपुरी में समझिए कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, बलमा बिहार वाला 2, पूरी तरीके से हॉरर मूवी बनाई थी भोजपुरी में उस पहली बार। मेरी जो आने वाली फिल्में हैं उनमें से एक फिल्म है रवि किशन जी, अमरीश सिंह, प्रिय सिन्हा जी, गुंजन पंत, संगीता तिवारी और इनुश्री, इन लोगों को लेके एक फिल्म मैं अभी कर रहा हूँ। लगभग उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, एक दो दिन का काम बचा हुआ जो कि मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन चालू उसका। और वो भी एक बिल्कुल अलग तरीके की फिल्म है, सर्वशक्तिशाली महादेव टाइटल है उसका, और वो आध्यात्मिक भी है, पारिवारिक भी है, रोमांस भी है, दुश्मनी भी है, रेवेंज भी है, और प्रभु की महिमा का भी पूरी तरीके से बखान है। तो एक बड़ा डिफरेंट मूवी है जो आपको देखने को मिलेगी, एक और अलग तरीके की मूवी है। मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में पहली बार सफ़र पे आधारित कोई फिल्म है कि जर्नी के दरमियान लगभग फिल्म को दिखाया गया है, और बड़ा अच्छा एक लव स्टोरी है और इस फिल्म में बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी है। फिल्म का टाइटल है लव एक्सप्रेस, टाइटल से ही लगता होगा कि लव एक्सप्रेस है तो जर्नी तो ज़रूर होगी, तो बिल्कुल इसमें जर्नी है और फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है। इसमें हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो है आनंद ओझा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है, और साथ में अंजना सिंह जी ने इस फिल्म में तो एकदम 4 चांद लगा दिया, बेजोड़ अभिनय का संगम है। और अवधेश मिश्रा हैं, विजय त्रिपाठी जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, और इंडस्ट्री के बहुत सारे जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत दमदार किया है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैं जिन फिल्मों में डायरेक्टर हूँ उसमें एक्टर रहूँ, जैसे कि अभी जैसे सर्वशक्तिशाली महादेव मैंने किया तो उसमें अभी तक तो एक्टिंग नहीं किया मैंने, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा था, बहुत सारे पात्र थे, हीरो हीरोइंस, 3 हीरो 3 हीरोइन। लेकिन अभी जो लव एक्सप्रेस जो मैं मूवी कर रहा हूँ उसमें एक ऐसा किरदार निकल के आया कि हमारे प्रोड्यूसर से कहने लगे कि ये किरदार आप ही करोगे तो अच्छा है। तो लव एक्सप्रेस में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और इसके अलावे एक बतौर एक्टर, बतौर विलेन बहुत ही दमदार भूमिका है, राजकुमार पांडे जी और दुर्गा प्रसाद
मजुमदार जी प्रोड्यूसर हैं, मनोज नारायण जी उसके डायरेक्टर हैं। फिल्म का नाम है नाचे नागिन गली गली, जो बहुत जल्दी प्रदर्शन के लिए तैयार है। तो उसमें मेरा खलनायकी का जौहर आप देखेंगे। और इसके अलावा भी तीन चार और मूवी है जिसमें मैं बतौर एक्टर कर रहा हूँ, और बतौर डायरेक्टर भी कई सारी फिल्में हैं जो कि बात चल रही है, लाइनअप है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए एक्टर के तौर पे भी अलग अलग किरदार लेके आऊं और डायरेक्टर के तौर पे भी अलग अलग तरीके की फिल्में लेकर आऊं। और यही चाहूँगा कि आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे, मिलता रहे। प्लैनेट भोजपुरी के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो भोजपुरी सिनेमा जो हमारा है पूरी तरीके से परिवर्तन के दौर में है, क्योंकि मुझे भी दर्शक जो मिलते हैं हमसे अपेक्षा रखते हैं कि मराठी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बन रही हैं, बंगाली में ऐसी बन रही हैं, और भी लैंग्वेज में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट और कलात्मक फिल्में भी बन रही हैं, तो भोजपुरी में क्यों नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो खुद जो जिस फिल्म में डायरेक्टर हूँ चाहे जिसमें मेरा इनपुट रहता है, तो मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं अलग अलग तरीके की फिल्में लेकर आऊँ। वैसी फिल्म जिसे हर कोई एक साथ बैठ के देखे और इन्जॉय करे, वैसी फिल्मों को मैं लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लैनेट भोजपुरी।